I must say, unfortunate incident that happened today. So my wife had to appear in English. Bismillahirrahmanirrahim. हम इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान हैं और ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर लाखों लोगों ने कुर्बानियां देकर हासिल किया, लेकिन आज पाकिस्तान ही में इस्लाम का यूं मजाक उड़ाया जाए, फिर आप लोग बताएं कि हमारा क्या हाल होगा और कर रब का अजाब क्यों कर हम पर नहीं नाजिल होगा। आज जो वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये किसी दूसरे मुल्क की नहीं बल्कि पाकिस्तान की और पंजाब यूनिवर्सिटी की है। अब दोस्त इस वीडियो में इस बहन की और इनके शोहर की बातें सुन सकते हैं कि कैसे इनका पेपर कैंसिल कर दिया गया और किस वजह से किया गया, बुनियाद क्या रखी गई और वजह क्या बताई गई। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट हैपेंड टुडे। सो माय वाइफ हैड टू अपीयर इन इंग्लिश एग्जाम फॉर मास्टर्स पार्ट टू इन पंजाब यूनिवर्सिटी। तो When she went to examination center, तो जब ये अंदर एंटर हुई, I would like to tell us कि क्या हुआ। आप जब एंटर हुई तो क्या हुआ? Okay, जो रोल नंबर स्लिप इशू की जाती है, it has some rules on it, which I think mentions that your ears have to be opened. So, बस उतना ही माइंड में था। So, normally, of course, I hijab up, I wear abaya and scarf and everything. So, And it has never been a problem. I mean, they always make an issue out of it. But when I tell them ki maine pehna hai abaya, aap check kar le, ya I open my ears, so they always cooperate. Issue nahi. अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को और हमारे असातिज़ा को इनकी समझ अता फरमाए। पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने इस बच्ची का पेपर सिर्फ इसलिए कैंसिल किया कि इन्होंने बुर्का पहन रखा था और इस वजह से उन्होंने इसका पेपर कैंसिल कर दिया है। आपने इनकी बातें भी सुनी। इस वीडियो को आप दोस्तों ने आगे जरूर शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।